हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थान की फेमस रेसिपी चवला फली और काचरे की सब्जी, जिसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताया है। और ये चवला फली अभी गर्मियों में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, काचर भी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम ये खूब होते हैं और खूब इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना, देख लेते हैं हमने ये क्या क्या लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड, 250 ग्राम मैंने चवला फली ली है, 3 मैंने काचर लिए है। अभी आपको कट करके दिखाती हूँ कि हमें कट कैसे करना। तो ये देखिए, इस चवला फली का आगे पीछे का मैंने हिस्सा हटा दिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ऐसे हमें इसको कट कर लेना। मैं सारी आपको कट करके नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा मैंने कट कर दिया है कि इस तरह हमें कट कर लेना है। अभी एक काचर को भी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऊपर की स्किन हमें, छिलका जो होता है इसको हटा लेना है। छिलका हटा के इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मैं सारा ये सभी काचर का छिलका हटा लेती हूँ और इसी तरह हमें हटाना है। तो मैं आपको दिखाने के लिए ये दिखा रही हूँ एक काचर। तो सभी काचर को मैं ये छिलका हटा लिया, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी मैं कट करके दिखाऊंगी कि हमें कट कैसे करना। तो जैसे हम आलू कट करते वैसे ही हमें कट करना है। बीज हमें नहीं निकालना है, जब हम बीज इसको पानी में अच्छे से धोएंगे तो एक्स्ट्रा बीज जो होते हैं वो निकल जाएंगे। कट करने के बाद हम इसको पानी से अच्छे से धो लेंगे तो बीज पानी में रह जाएंगे, तो हमें अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थोड़े थोड़े बीज हमें इसमें रखने हैं, नहीं तो सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ऐसी मैं नई नई सिंपल रेसिपी आपके लिए ला सकूँ। बहुत ही सिंपल तरीका और बहुत ही देसी तरीका मैंने बताया है, एकदम गांव के स्टाइल से हम आपको बना के दिखा रहे हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो सभी को ऐसे ही हम कट कर लेते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है, ना तो हमें अलग से मसाले का, बहुत ही सिंपल मसाला हमने इसमें डाला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने चवला फली और काचर को अच्छे से कट कर लिया है। काचर को पानी से धो के मैंने एक्स्ट्रा बीज इससे निकाल दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे बीज बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो इसको हमने, ये हमारा चवला फली और काचर कट के रेडी हो चुके हैं। तो अभी मसाले की तैयारी करेंगे। तो ये एक कटोरी लिया है, इसमें हम मसाला डालेंगे। तो हम आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर का लेंगे, एक छोटा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता, तो एक छोटा चम्मच आपको भर के धनिया पाउडर लेना है। इससे ग्रेवी बहुत ही ठीक ठीक बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप रख सकते हो। तो मैं एक छोटा चम्मच इसमें नमक का लिया है और 1.5 छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर अपने तीखेपन के हिसाब से आप कम या ज़्यादा रख सकते हो। मैं 1.5 छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च ली है, ये देखिए डाल देती हूँ मैं। और इसमें हम डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, जो हमने दरदरा इसको कूट लिया है, इतना ही हमें दरदरा ही कूटना है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हम प्याज नहीं डाल रहे हैं, तो लहसुन को दरदरा कूट लिया है। और इसको मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी डाल के। तो पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह मसाला आप रेडी करके ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो इसको मैं चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है, एकदम पेस्ट जैसा इसको बना लेना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं, अगर सिंपल तरीके छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख लिए तो आपकी सब्जी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अलग से हमने कुछ नहीं किया है, बस मसाले का थोड़ा हेर फेर किया है कि हमने मसाला किस तरह डालना है। मसाला वही है, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग मैंने बताया है। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार सब्जी लगेगी, बहुत ही इसकी ग्रेवी मस्त बनेगी। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी मैंने कढ़ाई लिया, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल डाल देंगे। आप अगर रिफाइंड ऑयल से बनाना चाहते हो, आप बनाते हो खाना रिफाइंड ऑयल से, तो वो भी इस टाइम ले सकते हो, लेकिन हम सरसों के ऑयल से बनाते हैं। तो मैंने सरसों का ऑयल 1 बड़ा चम्मच ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें जीरा डाल दिया है। जीरे को अच्छे से ब्राउन होने देंगे। तो ये देखिए, जीरा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो अभी जो मसाला का हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, ताकि मसाले डालते ही इसमें ये बुलबुले उठे। इस तरीके से अगर आप तड़का लगाओगे तो इसका मसाला बहुत ही अच्छे से पकेगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए, मसाले को हमने डालते ही अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, जिससे इसको चला के 1-2 मिनट अच्छे से मसाले को पका लेना है।
जितना हम मसाले को पकाएंगे सब्जी हमारी उतनी ही मस्त बनेगी और बहुत ही अच्छा इसमें कलर आएगा। तो 2-3 मिनट हम मसाले को अच्छे से पका लेना है। गैस को मैंने इस टाइम हाई फ्लेम में कर रखा है, मीडियम लो फ्लेम करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हाई फ्लेम पे ही हम इसको बनाएंगे और मसाले को अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए मसाले भाप से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, वो अच्छे से मसाला पक चुका है। 2-3 मिनट हमने मसाले पकाने के बाद हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो पानी मैंने 1 गिलास के करीब इसमें पानी ले लिया है और इसको अच्छे से चला देंगे। पानी का कोई मेजरमेंट नहीं है कि हमारी जितनी सब्जी पकेगी उतना हम पानी इसमें डालेंगे, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी इसमें डाल सकते हो। इधर हम इसमें फिर से पानी डाल के इसको अच्छे से साफ़ पानी से धो लेंगे, जिसमें थोड़ा अच्छे से और ये साफ़ हो जाएगी। तो देखिए एक्स्ट्रा बीज जो और होंगे इसमें वो भी निकल जाएंगे, पहले से हमने इसमें बीज निकाल दिए थे, आपको देखने से आइडिया लगा सकते हो कि इसमें बीज बहुत कम है। अभी हम इसमें ये कढ़ाई में डाल देंगे, उबाल आने के बाद आपको ये काचर और बीन्स आपको उबाल आने के बाद इसमें डालनी है। पानी में अच्छे से उबाल आ जाए उसके बाद आपको ये सब्ज़ी ऐड करनी है। तो अच्छे से हमारा उबाल आ गया था, उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे से चला देंगे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर है इसमें। हमने मसाले का कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं किया है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अगर आपने एक बार इसको गर्मियों में बना लिया तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ इतनी ये टेस्टी बनती है कि आप बार बार गर्मियों में यही बनाना चाहोगे। बहुत ही मस्त लगती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा। मेरे कहने से आपको पता नहीं चलेगा, आप देख सकते हो, लेकिन बनाओगे तब भी आप टेस्ट कर सकते हो इसका। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है और अभी पानी और हमने इसमें डाल दिया जिससे ये पकेगी। काचर और बीन्स अच्छे से हमें पकाना है चवला फली को। तो देखिए उबाल आ गए हैं, इसको अच्छे से हम 4-5 मिनट अच्छे से पका लेंगे। हमें इसको ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमें ऐसे खुले में ही पकाना है। तो 5 मिनट मैंने अच्छे से इसको पका लिया, सब्जी हमारी बनके रेडी हो चुकी है और देख पा रहे हो कितना इसका अच्छा कलर आया, बहुत ही मस्त बनी है। तो गरम गरम आप इसको चपाती पराठा पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही मज़ेदार लगेगी ये, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काचर और चवला फली की सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। तो आपको ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।